Hi guys, hello everyone and welcome to an Academy Topper channel. This is your favorite Garma ma'am. And आज हम करने वाले एक ऐसा एपिसोड जो मिस हो गया था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन, तो मैं उसका रिकॉर्डिंग बना रही हूँ आप लोगों के लिए. प्लीज प्लीज इस PYQ सीरीज को सीरियसली लीजिए, से अटेंड कीजिए. सारी की सारी मेरी प्लेलिस्ट, सारे हाईलाइट सीरीज, सब कुछ आपको अवेलेबल है. G2 गर्मा गोयल, ये मेरा लिंक ट्री है, यहाँ पे आप बच्चों जा सकते हैं लिंक ट्री पे और पूरा का पूरा चीजें आपको मिल सकती है. ठीक है, तो बच्चों प्लीज बी रेगुलर एंड प्लीज अटेंड ऑल दी सेशन. मैं असर्शन रीजन की सीरीज भी सुबह 8 बजे मेरी चलती है. ठीक है, 10 क्वेश्चन मैं कराती हूँ, 10 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देती हूँ, प्लीज उसको कीजिए. मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको नहीं पता एनटीए का पैटर्न क्या है, कब क्या चेंज आ जाए, आपको हर चीज के लिए अपडेट होना. अगर आप इसी साल नीट क्रैक करने का सोच रहे हैं तो इन प्रैक्टिस सेशन को प्लीज मिस ना करें. सिलेबस भी हो रहा है, प्रैक्टिस भी उतनी जरूरी है जितना सिलेबस जरूरी है. प्लीज इसको समझिए. चाहे चलो ठीक है, मैं एक एजुकेटर हूँ, बट जो आपके नीट वाले दीदी भैया जो आज डॉक्टर बन रहे हैं, वो भी तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं ना. बस उनकी चाहे सुन लो यार, बट कर लो, प्लीज कर लो. ठीक है, तो आज हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स करेंगे, उसके बाद हम प्लांट फिजियो रैप अप कर देंगे, क्योंकि उसके बाद मैं शुरू कर रही हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी. ठीक है, तो लेट स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट डज नॉट अकर इन क्लोरोप्लास्ट. इनमें से कौन सा चीज पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता है. ठीक है, तो हमारा है केराटिन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल बी, एंथोसाइनिन. तो हमें चार तरह के पिगमेंट दिए. मैं आपको बता दूं, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, उसके अंदर केरेटिनॉइड्स भी होते हैं, ज़ैंथोफिल्स भी होते हैं, क्लोरोफिल बी भी होते हैं, बट एंथोसाइनिन नहीं होता है. ये जो हमारे तीनों पिगमेंट्स है वो फैट सॉल्युबल पिगमेंट है. ये हमारे रिएक्शन सेंटर बनाने में बहुत हेल्प करते हैं और वहां पे ये हमारे एक्सेसरी पिगमेंट्स की तरह काम करते हैं. किसकी तरह काम करते हैं बच्चों? एक्सेसरी पिगमेंट्स की तरह काम करते हैं. ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है ये क्लोरोफिल ए के फोटो ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करते हैं. किससे प्रिवेंट करते हैं? फोटो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि जो हमारा चीफ पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए. ये हमारा क्या है? चीफ पिगमेंट है. तो इसको कुछ हो ना जाए तो उसके आसपास एक सेना होती है. ये सेना का नाम है एक्सेसरी पिगमेंट, उसमें होता है केरेटिनॉइड, ज़ैंथोफिल्स, क्लोरोफिल बी. ये क्लोरोफिल ए को बचा के रखेंगे जिससे कि ये खराब ना हो जाए, क्योंकि अगर ये खराब होना शुरू हो गया तो बस फिर तो आपका फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो ये है हमारे तीन जो होते हैं, और जो नहीं होता विच इज अ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज एंथोसाइनिन. ये क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी है, बायो मॉलिक्यूल्स में भी हम पढ़ते हैं. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से आंसर देंगे बच्चों. क्लोरोफिल कंटेन्स, क्लोरोफिल के अंदर जो स्ट्रक्चर बनाने में जो मिनरल सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज योर मैग्नीशियम. मैग्नीशियम हमारा एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ये हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो ज्यादा क्वांटिटी में प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट से ज्यादा ये प्रेजेंट हो सकता है प्लांट के अंदर, इसे हम इसे मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं. और ये भी मैं बता दूं कि जो मैग्नीशियम है ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है एज अ को फैक्टर फॉर अदर मेजर एंजाइम्स, जैसे कि हमारा हो गया रूबिस्को, ठीक है, पिरुवेट डीहाइड्रोजिनेस, इन सारे एंजाइम्स का भी ये एक कोफैक्टर की तरह काम करता है. और यही नहीं, ये दो राइबोसोमल यूनिट्स को जोड़ने का भी काम करता है. तो अगर मैग्नीशियम सही क्वांटिटी में होगा तो दोनों हमारी राइबोसोम की यूनिट जुड़ेंगी. जब ये दोनों यूनिट जुड़ेगी तभी तो हमारा ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा तभी तो हमारा प्रोटीन बनेगा. तो ये है इन दोनों क्वेश्चन के आंसर. चलिए आते हैं, यस, नेक्स्ट हमारा ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. जब हमारा डार्क रिएक्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो ये डार्क रिएक्शन है इसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, इसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, इसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि कैल्विन मेलविन ने हमें इसके बारे में बताया था. इसमें C14 उसने यूज किया था. इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बता दूं, जो ये रिएक्शन है ये स्ट्रोमा में होता है. कहां पे होता है बच्चों? ये स्ट्रोमा में होता है, क्लोरोप्लास्ट के, जहां पे हम
बेसिकली क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे, ग्लूकोज बना रहे इस वाली साइकिल की मदद से। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 6 केल्विन साइकिल की जरूरत होती है। कितने की जरूरत होती है? 6 केल्विन साइकिल की जरूरत होती है अगर मुझे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, वॉटर स्प्लिट इसमें नहीं होता है, लाइट रिएक्शन का पार्ट है वो। CO2 इज रिड्यूस इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि मैंने आपको बताया CO2 को फिक्स किया जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से? हमारे ग्लूकोज। क्लोरोफिल इज एक्टिवेटेड, ना 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 इसमें ये नहीं है, क्लोरोफिल इज एक्टिवेटेड इन लाइट रिएक्शन। स्टेबल C6 शुगर इज ब्रोकन, ब्रोकन की जगह यहाँ पे फॉर्मेशन आना चाहिए था, बनना शुरू होता है। ठीक है, यस, C6 शुगर यानी ग्लूकोज हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स माय राइट आंसर। राइट मेरे बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। द एंजाइम दैट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक CO2 इन C4 प्लांट्स, मैं आपको बता दूं C4 वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर C4 साइकिल चलती है, जिसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट एक 4 कार्बन कंपाउंड है जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब आप कहेंगे मैम ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिसमें C4 साइकिल होती है, तो आप मुझे पहले बताइए कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, मोनोकॉट्स हैं जो एवोल्यूशनरी ज्यादा एडवांस होते हैं। कौन से मोनोकॉट्स हैं जो एवोल्यूशनरी ज्यादा एडवांस होते हैं? ये जो हमारे C4 प्लांट्स हैं, जो हमारे मोनोकॉट्स हैं, इनमें जो साइकिल है वो C4 है, जो हायर टेम्परेचर पे भी CO2 फिक्सेशन का काम कर सकती है। तो ये बेटर है और एडवांस है। ठीक है, ये जो है इनमें जो एंजाइम है, पहला एंजाइम जो कि फिक्सेशन कराएगा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, वो कौन सा? हमारा पेप कार्बोक्सिलेज। क्या नाम है उसका? पेप कार्बोक्सिलेज है, क्योंकि ये क्या करेगा पेप कार्बोक्सिलेज, मैं आपको बता देती हूँ। ये CO2 लेगा और यहां पे जो एक्सेप्टर है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है वो हमारा पेप। पेप क्या होता है? फॉस्फोइनॉल पिरुवेट। क्या होता है बच्चों? पेप इज फॉस्फोइनॉल पिरुवेट। क्या होता है? फॉस्फोइनॉल पिरुवेट। ठीक है, ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये जब CO2 के साथ मिलता है तो 4 कार्बन का कंपाउंड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम है बच्चों? पेप कार्बोक्सिलेज। और जो हमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है उसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या नाम है उसका? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये हमें मिला, ये जो कंपाउंड है ये C4 है, यानी कि 4 कार्बन से बना है, इसलिए साइकिल का नाम C4 साइकिल है, बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या है? दिस इज अ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। क्या ये हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये हमारा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर, इजी पीजी। चलो इसी के साथ हार्ड टचिंग परफॉर्मेंस आगे चलती हुई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट? बहुत सारे मेरे बच्चों को अंग्रेजी में दिक्कत हो सकती है कि मैम ये CO2 हाई कॉम्पनसेशन CO2 पॉइंट क्या है। हाई CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट का मतलब ये है कौन ज्यादा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होगी तब कार्बन को फिक्स कर पाएगा। मैं वापस से आपको बताती हूँ सरल भाषा में, इसका मतलब है हाई CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट का मतलब है जब एटमॉस्फेयर में ज्यादा CO2 होगी तभी ये काम करेगा। ठीक है, अगर कम CO2 होगी तब ये वाला साइकिल काम नहीं करेगा। तो जब हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा CO2 का लेवल होगा तभी ये साइकिल काम करेगी। ये साइकिल कौन सी है? ये हमारी C3 साइकिल। अब आप कहेंगे मैम आपने कैसे आंसर निकाले? मैं आपको बता दूं, जो C3 प्लांट्स होते हैं वो डाइकॉट्स होते हैं और इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन भी होता है। फोटो रेस्पिरेशन यानी कि C2 साइकिल, ये वो साइकिल है जिसके दौरान प्लांट ऑक्सीजन निकालने की जगह CO2 रिलीज कर रहा है एटमोस्फियर में। ठीक है, तो जब वो एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो एक तो लॉस हो रहा है, प्लस अगर उसे फिक्स करना है तो उसे एटमॉस्फेयर में ज्यादा अमाउंट ऑफ CO2 चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो यानी हाई कॉम्पनसेशन पॉइंट। और अगर मैं इसके सैचुरेशन की भी बात करूं तो NCERT हमें कहती है कि जो C3 प्लांट्स है इनका सैचुरेशन 460 पे आता है एटमॉस्फेरिक वैल्यू पे। ठीक है, तो इसलिए C3 इसका आंसर होगा। नाउ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोरेस्पिरेशन। फोटोरेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो केवल और केवल C3 प्लांट्स में होती है। किन प्लांट्स में होती है? एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स, किस में होती है? सिर्फ C3 प्लांट्स में होती है। ठीक है,
यानी कि डाइकॉट्स में, यानी कि डाइकॉट्स में। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो वेस्टफुल प्रोसेस है, फालतू की प्रोसेस है, बट प्लांट कर रहा है, ठीक है। कैसी प्रोसेस है? वेस्टफुल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, जो हमारा 5 कार्बन का कंपाउंड है, यानी RUBP, 5 कार्बन का कंपाउंड कौन सा है बच्चों? RUBP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। ये जो RUBP है, ये टूट जा रहा है 3 कार्बन और 2 कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। जो हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है वो तो हमारा पिरुविक एसिड है, पिरुवेट है, ठीक है। और जो हमारा 2 कार्बन कंपाउंड है, सॉरी पीजे लिख देते हैं पिरुवेट की जगह, दैट इज मच बेटर आंसर, ठीक है। सॉरी बच्चों, यहाँ PGA लिख देती हूँ, PGA है। और जो 2 कार्बन कंपाउंड है, जिसके कारण साइकिल का नाम है C2 साइकिल, वो 2 कार्बन कंपाउंड कौन सा हमारा? फॉस्फोग्लाइकोलेट। कौन सा बच्चों? फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। ये हमारा PYQ क्वेश्चन रह चुका है, एंड सो यहाँ पे जो पहला C2 प्रोडक्ट बन रहा है जिसके कारण साइकिल का नाम है, वो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में देखो, PGL ना, ग्लिसरेट ना, ग्लाइसिन ना, फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये मेरा राइट आंसर है। सो यहाँ पे 4th बिकम्स माय राइट आंसर, ठीक है। हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेंज। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, चाहे आप फिजिक्स में पढ़ो, बायो में पढ़ो, केमिस्ट्री में पढ़ो। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कौन सा था? विजिबल लाइट वाला, 400 to 700 नैनोमीटर, ठीक है। इसके अंदर भी जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, मान लो अगर क्वेश्चन आ गया वो पूछ रहा है कि भाई मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस रेंज ऑफ लाइट में होता है, किस लाइट में होता है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? व्हाट विल बी योर आंसर? मैं आपको बता दूं, तब आपका आंसर होगा ब्लू एंड रेड लाइट। तो ब्लू एंड रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि मैक्सिमम यहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? यानी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, खाना पक रहा है, बट ऑक्सीजन नहीं निकल रही, तो ऐसी फोटोसिंथेसिस जहां पे खाना बन रहा है बट ऑक्सीजन नहीं निकलती है, ऐसी फोटोसिंथेसिस को हम एनऑक्सीजेनिक क्या कहते हैं? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आज इसका आंसर देख लेते हैं, कौन सा है? रेड एल्गी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है, बैक्टीरिया हो सकता है। C4 प्लांट से तो ऑक्सीजन निकालते हैं, ब्लू ग्रीन साइनो बैक्टीरिया भी निकालता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसके अंदर हमारे आएगा RCB, ये आपकी टीम हो सकती है IPL की, है ना? यस। तो R is रोडोस्पिरिलियम, C is क्लॉस्ट्रीडियम, एंड B is बैसिलस। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बहुत नीट में पूछा जाता है, तो ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कैम हेल्प्स द प्लांट इन, सबसे पहले मैं आपको कैम के बारे में बता दूं। कैम का मतलब है क्रोसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये इसकी फुल फॉर्म है। NCERT में इसके बारे में बहुत ही कम जिक्र किया हुआ है, बट क्वेश्चन PYQ में आया है, तो जब हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं तो भय मत किया करो, पढ़ाना जरूरी होता है। या तो बोलो नीट को कि भाई बिल्कुल ही क्वेश्चन मत बनाओ बाहर से, अब बना रहे हो तो फिर पढ़ लिया करो, ऐसे थोड़ी नीट क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर बनने जा रहे हो, मजाक करने जा रहे हो क्या है? चलो, क्रॉसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म की बात करूं तो ये वो प्लांट्स है जैसे जीरोफिटिक प्लांट्स, जैसे आपके सकुलेंट्स, ठीक है, वो है। ये जो प्लांट्स हमारे जेरोफिटिक सकुलेंट्स, इन्हें पानी कंजर्व करना होता है, दे नीड टू कंजर्व वाटर, एंड ये कंजर्व वाटर कैसे कर सकते हैं? बाय मिनिमम ट्रांसपिरेशन। तो क्या चीज इसमें कम हो जाती है? ट्रांसपिरेशन कम हो जाती है, तो यहाँ पे मिनिमम ट्रांसपिरेशन होगा। क्या होगा बच्चों? मिनिमम ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन हम कम करेंगे, पानी अपने आप कंजर्व हो जाएगा। अब हम ट्रांसपिरेशन कम कैसे करेंगे, अब बताओ मुझे? हम रात के टाइम स्टोमेटा खोलेंगे और दिन के टाइम बंद रखेंगे, तो यहाँ पे जो स्टोमेटा ओपन होगा वो रात के टाइम होगा, नाइट टाइम पे, जैसे कि कम ट्रांसपिरेशन हो, ठीक है। वहीं पे स्टोमेटा क्लोज रहेगा डे टाइम पे, जैसे कि भाई ट्रांसपिरेशन हो ही ना, हमारा पानी बचा रहे। तो जो कैम पाथवे, दिस इंश्योर्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर। क्या इंश्योर कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्विंग वाटर, ठीक है। नाउ बात है सेकंड बिन, क्रांस एनाटॉमी, द
बंडल शीट सेल्स है, बंडल शीट सेल्स वो सेल्स होते हैं विच अराउंड वैस्कुलर बंडल. ये कौन से सेल्स है विच अराउंड वैस्कुलर बंडल, ये वैस्कुलर बंडल के पास सेल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं बंडल शीट सेल्स. वैस्कुलर बंडल्स के आसपास होते हैं ये सेल्स, ठीक है. और वैस्कुलर बंडल्स कौन से होते हैं हमारे, जाइलम एंड फ्लोएम. कौन से होते हैं बच्चों, जाइलम होता है हमारा, फ्लोएम होता है, ठीक है, ये होते हैं. चलो नेक्स्ट बात है, दे हैव थिक वॉल्स, बिल्कुल सही एनसीईआरटी के हिसाब से. थिन वॉल्स गलत, थिक वॉल्स सही, थिन वॉल्स गलत. तो 50-50 तो हो गया भाई, पहले पहली चीज से हमने 50-50 देख लिया. अब आते हैं नेक्स्ट, मेनी इंटरसेलुलर स्पेसेस गलत. तो ऑप्शन थ्री बिकम्स माय राइट आंसर, कि इनकी थिक वॉल्स होती है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड इम्पर्वियस वॉल्स टू गैसेस. इसी क्रांच एनाटॉमी के कारण ये इतने बेहतरीन तरीके से CO2 फिक्स कर पाते हैं एंड दे हैव हाई प्रोडक्टिविटी, दे हैव हाई एफिशिएंसी, ठीक है. नेक्स्ट, अ प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4. ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो C3 में हो सकते हैं C4 में नहीं हो सकते, वो है C2 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन. C4 प्लांट्स में कभी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है, सिर्फ C3 प्लांट्स में होती है, C2 यहाँ पे हमेशा एबसेंट. यही एक रीजन है कि CO2 का कॉम्पनसेशन पॉइंट C3 साइकिल में ज्यादा और C4 साइकिल में कॉम्पनसेशन पॉइंट कम होता है. आया कि नहीं आया समझ में, जल्दी बता दो, आगे समझ में बढ़िया चल रहा है, चलिए आगे चलते हैं. एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ट्रिक बताई थी मैम ने, क्या ट्रिक थी, RCB. अब देखो तुम्हें ट्रिक अगर याद है तो एक सेकंड का आंसर है विदाउट एनी कंफ्यूजन रोडोस्पिरिलियम मेरा आंसर. यही मैं तुमसे कहती हूँ, पढ़ाते तो सब है बट डी स्क्वायर याद कराती है यार. यस, पढ़ाने का प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाने के लिए तो तुम्हें यार PhD वाले लोग भी मिल जाएंगे, बट पॉइंट ये है कि तुम्हें याद करा के तुम्हें तुम्हारा राइट आंसर निकलवा दें पेपर में. That is what I'm looking for. That is what I do. तुम्हें याद कराना और तुम्हारे पेपर में मार्क्स बढ़ाना. टॉपर्स को तो देखो यार सब कर ही रहे हैं, टॉपर्स तो खुद भी कर लेगा, बट मेरे को तो एक एवरेज बच्चे को टॉपर बनाना है ना, मेरे को तो उसका सिलेक्शन है, मेरा दिमाग वहां पे चल रहा है, ठीक है. चलो इसके साथ आगे चलते हैं. क्रोमैटोफोर्स क्या होता है, क्रोमैटोफोर्स कलर पिगमेंट्स. क्रोमैटो का मतलब ही कलर है यार, क्रोमैटो का मतलब ही कलर है, ठीक है. जो क्रोमैटोफोर्स होते हैं वो किस में पार्टिसिपेट करेंगे, कलर पिगमेंट जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, किस में, फोटोसिंथेसिस में पार्ट करेगा. सो सिंपल, इतना इजी PYQ पूछेंगे तो हमारे बच्चे रॉक करके आएंगे यार सबसे पहले. और क्या, इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन, जो क्लोरोप्लास्ट है हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स में बता दूं एच पॉजिटिव की बात कर रहा है. तो इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन, तो प्रोटॉन्स मतलब H+ जो है हमारे रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है. तो सबसे पहले मेरे बच्चों को ये समझने की जरूरत है कि ये H+ आ कहाँ से रहे हैं. तो जब हमारा जो ये थायलाकॉइड है, ये जो इनर मेम्ब्रेन, ये जो अंदर वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी H2O टूटता है, पानी टूटता है, तो 4 H+ आता है, ऑक्सीजन आता है, 4 इलेक्ट्रॉन आता है. तो ये इलेक्ट्रॉन तो चला जाता है हमारे PS2 के पास, ठीक है, और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला जाता है. तो यहाँ पे ल्यूमेन ऑफ थायलाकॉइड में, कहाँ पे बच्चों, ल्यूमेन ऑफ थायलाकॉइड में अगर हम देखें, ल्यूमेन ऑफ थायलाकॉइड में तो बहुत सारा H+ है. तो ये बहुत ज्यादा प्रोटोन आ गया, खूब सारा प्रोटोन भर गया. तो सबसे ज्यादा जो प्रोटोन है, सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, ल्यूमेन ऑफ थायलाकॉइड में. तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स इट आंसर, ठीक है बच्चों. चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं, आ जाओ नेक्स्ट. द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4. आपको अगर मैम रिपीटेड क्वेश्चन, आप जाके नीट वालों को बोलो कि यार इतना PYQ रिपीट क्यों करते तुम लोग, तो आंसर क्या है, फोटो रेस्पिरेशन. आंसर क्या इसका, फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है. फॉस्फोइनॉल पिरुवेट, जो हमारा फॉस्फोइनॉल पिरुवेट है, इज अ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन, ये किस में CO2 एक्सेप्टर है, 3 कार्बन का कंपाउंड है जो CO2 को एक्सेप्ट करके 4 कार्बन का कंपाउंड बनाने वाला है. ये रिएक्शन किस में होता है, ये C4 सेल्स में होता है, और कहां पे होता है, मीजोफिल सेल्स में. ये रिएक्शन मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स में हो रहा है, C4 प्लांट्स में हो रहा है. तो आंसर C4 प्लांट्स होगा, C3 एंड C4 भी नहीं होगा, सिर्फ C4, ठीक है. ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, कौन ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी एनऑक्सीजन की बात हो रही है, फिर से ट्रिक याद करो,
फिर से ट्रिक याद करो, क्योंकि 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि PYQs करना कितना जरूरी है। तो रोडोस्पिरिलियम ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस, साइनोबैक्टीरिया करता है, कहाँ करता है, नो स्टॉक इज द आंसर। इस वाली ट्रिक से ये नहीं आया, इसमें हम तो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? यस है, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग, ओरे या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, देखो साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन समझ रही हूँ मैं, हे भगवान, मेरा दिमाग मेरा दिमाग मेरा दिमाग, सो सॉरी बच्चों, सो सॉरी बच्चों, सो सॉरी, मैं इसे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया समझ रही हूँ, साइनो बैक्टीरिया समझ रही हूँ, हे भगवान, मैंने कहा वो तो सबसे पहले ऑक्सीजन इवॉल्व किया था, सो सॉरी बच्चों, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यार, ये तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था, माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक, सॉरी 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 सॉरी। इन हैच एंड स्लैग पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज, हैच एंड स्लैग पाथवे मैं बता दूं C4 साइकिल की बात कर रहा है, कौन CO2 एक्सेप्टर, फॉस्फोइनॉल पिरुवेट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्हिच इज पेप, और एंजाइम जो यूज हो रहा है फिर से कर लेते हैं एक बार, कोई नहीं, पेप कार्बोक्सिलेज, कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं, पेप कार्बोक्सिलेज, ठीक है बच्चों आगे चलते हैं। ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स कुड रिलीज ऑक्सीजन, सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उन, ये किसने शो किया था, दिस वाज शोन बाय इंगेनहाउस, इंगेनहाउस ने कहा जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैं, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट के, हाइड्रिला के, वो पानी में ऑक्सीजन के बबल्स बना रहे हैं, ठीक है, जबकि रात के टाइम ऐसा नहीं हो रहा है, तो दिस वाज शोन बाय इंगेनहाउस। इन कैल्विन साइकिल व्हिच स्टेप इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2, फिक्स वन CO2, तो कौन सा स्टेप है, कैल्विन साइकिल को दे दो, एक बार कैल्विन साइकिल देख लेते हैं, पहला है कार्बोक्सिलेशन स्टेप, पहला होता है इसका स्टेप कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है रिडक्शन, रिडक्शन, और तीसरा होता है रीजेनरेशन, तीसरा होता है रीजेनरेशन, ठीक है, तो ये जो रिडक्शन वाला स्टेप है, यहां पे मेरा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्लस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2 का खर्चा है, जबकि रीजनरेशन में मेरा वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का खर्चा है, तो इसके हिसाब से मेरा क्या आंसर बनता हुआ, इसके हिसाब से मेरा आंसर बनता हुआ रिडक्शन, ठीक है, चलो नाइस। नाउ व्हिच कैरेक्टर मेक C4 प्लांट स्पेशल, कौन सा कैरेक्टर C4 प्लांट का जूस स्पेशल बनाते हैं, क्रैंज एनाटॉमी, कौन सा जो उसे स्पेशल बना रहा है मेरा बच्चों, क्रांस एनाटॉमी, स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी विच इज कॉल्ड एज क्रांस एनाटॉमी, ठीक है, अब आप कहेंगे आ तो क्या आंसर, नहीं, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, यस, शो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, यस, तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव बिकम्स माय आंसर, तो चारों ऑप्शन पढ़ के बेस्ट आंसर चूज करना है, गलती मत करना पहले लगाकर, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, आंसर इज रूबिस्को, रूबिस्को वो एंजाइम है जो C3 प्लांट के मीजोफिल सेल में होता है, किसमें होता है, मीजोफिल सेल में होता है, वहीं पे C4 प्लांट्स के बंडल शीट सेल में होता है, तो चाहे मेरा C3 प्लांट हो या मेरा C4 प्लांट हो, रूबिस्को सबके अंदर होना है, रूबिस्को सबके अंदर होना है, रूबिस्को स्टैंड फॉर राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, द वर्ड डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मिसनोमर बिकॉज, मिसनोमर का मतलब है, देखो यार हम डार्क रिएक्शन यूज कर रहे हैं बट ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये तो डे के टाइम पे भी हो जाता है, अब हमें हमें सुनने में ये लगता है कि डार्क रिएक्शन तो सिर्फ रात का टाइम होगा, ऐसे नहीं है, ये रिएक्शन हमारे डे टाइम में भी हो सकता है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ मिसनोमर, डार्क रिएक्शन सुन के जो हम सोच रहे हैं वो गलत चीज सोच रहे हैं, ठीक है, सो डार्क रिएक्शन अकर ड्यूरिंग डे ऑल्सो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स माय राइट आंसर, ठीक है। फोटोसिंथेटिक फोटोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है इसके अंदर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर, दोनों होते हैं, जैसे कि मैं बता देती हूँ क्या क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और क्या होता है रिएक्शन सेंटर, ठीक है, ये हमारा क्लोरोफिल ए है, ये हमारे एक्सेसरी पिगमेंट्स है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे ही इसमें मशीनरी है, यहाँ पे फोटोलिसिस होता है, ये रहा, ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर उड़ाया जाता है,
जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है। तो इस तरीके से PS2 भी हो सकता है और PS1 भी हो सकता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन PS2 एंड PS1 इज PS2 जो है हमारा 680 नैनोमीटर पे होता है, PS1 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, चलो। Which of the following is a product of oxidation during photosynthesis? Oxidation मतलब कुछ ना कुछ टूट रहा है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है, वाटर है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है क्योंकि जब पानी टूटता है तब मुझे ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है? तो यानी कुछ टूट रहा है, मैं ऐसे ही मानती हूँ ऑक्सीडेशन को, कि यार ये कुछ तोड़ेगा ही कहीं ना कहीं जाके, और कुछ तोड़ेगा तभी कुछ बनाएगा ये, ठीक है? जैसे ग्लूकोज बनाना इज अ प्रोसेस पार्ट ऑफ रिडक्शन, ठीक है? नाउ इन फोटोसिंथेसिस NADPH प्लस H प्लस आर ऑक्सीडाइज्ड इन। तोड़ना, फिर से तोड़ना। कहाँ तोड़ोगे? देखो कैल्विन साइकिल में इसको तोड़ोगे क्योंकि इसमें तो ये बनेगा, इसमें इसका कोई सिस्टम नहीं है, ये और ये ऑप्शन सेम है ना? इन इन दोनों का मतलब तो सेम ही हो गया, तो ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। इसमें NADPH2 का कोई रोल नहीं है, ना बनता है ना यूज होता है। तो आंसर क्या बचा मेरा? कैल्विन साइकिल, क्योंकि यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स, टू NADPH2 यूज होते हैं रिडक्शन वाले स्टेप में, जहां हम एसिड से एल्डिहाइड बना रहे हैं, यानी फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड बना रहे हैं, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट। द कॉमन फीचर बिटवीन नॉन साइक्लिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसमें कॉमन फीचर क्या है? प्रोटोन ग्रेडियंट फॉर्मेशन, ठीक है, बिल्कुल सही है। रिलीज ऑफ CO2 नहीं, ये सिर्फ नॉन साइक्लिक में होता है। फॉर्मेशन ऑफ NADH2 ये नॉन साइक्लिक में होता है, ये भी नॉन साइक्लिक में होता है। तो अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा था मान लो, तो अगर आप बाकी तीन के बारे में श्योर है तो आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन वन बिकम्स माय आंसर। द सेकेंड एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 प्लांट्स, सेकेंड एक्सेप्टर पूछ रहा है CO2 का, तो वो कौन है? RuBP। फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है? पेप। पेप था 3 कार्बन का, RuBP है मेरे 5 कार्बन का, तो RuBP ये रहा, 4th बिकम्स माय राइट आंसर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों, कम ऑन। एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ RCB, RCB रोडोस्पिरिलिया। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस अकर इन ऑसिलेटोरिया, ये है इसका आंसर, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है? Which of the following absorb light energy for photosynthesis? कौन इसमें से light energy को absorb कर रहा है during photosynthesis? मुश्किल है, क्लोरोफिल है। Take a chill pill. तो क्लोरोफिल इज द आंसर, क्योंकि इसके पास क्या है? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं, एंथोफिल्स हैं, सबके सब लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है? द फर्स्ट स्टेप फॉर इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी, फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा फोटोसिंथेसिस में? ओके, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ATP फॉर्मेशन, ग्लूकोज फॉर्मेशन, ये होगा। पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी, ये क्लोरोफिल है, पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी, फिर इलेक्ट्रॉन उड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने के लिए फोटोलिसिस करना पड़ेगा। तो पहला क्या होगा? एक्साइटमेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट पे आ रहे बच्चों। Which of the following pigments act as a reaction center during photosynthesis? Which of the following pigments act as a reaction center during photosynthesis? P700, ये होगा आंसर। Ferredoxin is a constituent of, जिन्होंने मेरे लेक्चर देखे उन्हें पता है एक ट्रिक है, फिर आ गई प्रियंका चोपड़ा इन PS1 साइक्लिक वाले में, फिर आ गई प्रियंका चोपड़ा घूम घाम के साइक्लिक मैनर में, फिर आ गई प्रियंका चोपड़ा, तो आंसर क्या होएगा मेरे बच्चों? PS1, ठीक है? यस। नेक्स्ट, इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन, फिर से वही क्वेश्चन, ल्यूमेन ऑफ थायलाकोइड। व्हिच पिगमेंट सिस्टम इज इन एक्टिवेटेड इन रेड ड्रॉप? रेड ड्रॉप क्या होता है मैं आपको बता दूं, अगर लाइट 700 नैनोमीटर से ज्यादा की है, ठीक है, तो हमारा फोटोसिंथेसिस गिरना शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेड ड्रॉप। जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो हमारा कम होना शुरू हो जाएगा, उसे हम कहेंगे रेड ड्रॉप, ठीक है? तो यहाँ पे हम PS1 आंसर देंगे, ठीक है, क्योंकि 700 पे वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसके बाद रेड ड्रॉप आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जॉइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे इन, कार्बन डाइऑक्साइड जॉइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे इन,
डार्क रिएक्शन, ओ माय गॉड, डार्क रिएक्शन, क्योंकि वहीं पे तो फिक्सेशन हो रहा है सीओ टू का, ग्लूकोज। सीओ टू से हम फिक्स करके क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बनाते हैं ना, तो ये चीज किसमें होती है, हमारे डार्क रिएक्शन में होती है। सो सिंपल, यस, फॉस्फिनॉल पिरुविट इज अ प्राइमरी सीओ टू एक्सेप्टर इन, ये भी आप बताने की जरूरत है इतने क्वेश्चन बाद। सी फोर प्लांट्स, क्या आंसर है इसका, सी फोर प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट, बंडल शीट सेल्स आर, कहाँ होते हैं बंडल शीट सेल, सी फोर प्लांट्स होते हैं, क्रांज एनाटॉमी में, है ना। आर रिच इन पेप कार्बोक्सिलेज, गलत, लैक रूबिस्को, गलत, लैक बोथ रूबिस, गलत, आर रिच इन रूबिस्को, ये होगा, ये मैंने अभी आपको बताया था, बंडल शीट सेल में रूबिस्को होता है जहां पे सी थ्री साइकिल चलती है, ठीक है। कैम हेल्प्स अ प्लांट इन, जो कैम पाथवे है वो किसमें हेल्प कर रहा है प्लांट्स को, तो कंजर्व वाटर, कैसे, स्टोमेटा रात में खुलता है बजाय दिन के। आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो आपको पता लगेगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटिंग इन दिस चैप्टर। पीवाईक्यूज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, है ना। सो बच्चों, दिस वाज अ सेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। प्लीज, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है दैट यू अटेंड ऑल द लेक्चर्स ऑफ पीवाईक्यू एंड असर्शन रीजन, अमेजिंग अमेजिंग सीरीज गोइंग ऑन फॉर यू, डू नॉट मिस दिस, बहुत जरूरी है, ठीक है। सो जी स्क्वायर इज माई कोड, यू कैन टेक द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यार रॉक करके रहेंगे, नीट फोड़ के रहेंगे, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू गेट द बेस्ट फॉर यू, ठीक है। एवरीथिंग यू कैन गेट एवरीवेयर, बट यू नो द क्वेश्चंस, द क्वालिटी दैट वी गेट फॉर यू इज जस्ट एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली नेक्स्ट लेवल, ठीक है। एंड मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने के लिए, फ्री यूट्यूब लेक्चर देखने के लिए, पूरा कोर्स कंप्लीट देखने के लिए, यू कैन गो टू माई लिंक ट्री G2 गर्मा गोयल, दिस इज माई लिंक ट्री, इससे आप सर्च कर सकते हैं और वहां से आप ये कर सकते हैं, ठीक है, सारे, इवन ऑल द क्वेश्चंस आल्सो यू विल गेट देयर। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर जॉइनिंग मी ऑन अनअकैडमी नीट टॉपर्स चैनल, दिस इज योर फेवरेट गर्मा मैम, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।